So hey everyone, this is Nikhil Gupta here and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम किसी को चैनल के ऊपर फीचर कर रहे हैं, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और उनके बारे में उनसे सुन लेते हैं, फिर उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो ध्रुविल भाई, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ध्रुविल और करेंटली मैं DTU से कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और मेरी JEE मेंस में ऑल इंडिया रैंक थी 1896 और मेरी परसेंटाइल थी 99.83. तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स और ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से मेरी इतनी बढ़िया रैंक आ सके और कैसे आपकी भी रैंक जो है वो इम्प्रूव हो सकती है. तो लेट्स स्टार्ट. सर, जितनी बढ़िया भाई की रैंक है उतनी बढ़िया ये वीडियो होने वाली है. पूरा पॉडकास्ट अच्छे से देखना. इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमने लिस्ट आउट करे हैं और मैं वो भाई से पूछ रहा हूँगा, देन वो तुम लोगों को बता रहे होंगे. और चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ध्रुविल भाई, सबसे पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक्चुअल में मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, पड़ोसी रिजल्ट पूछने आते कि भाई तेरे बेटे ने तो जे ही दिया था, तेरे कितना है, तो पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था रैंक सुनने के बाद? ओके. अरे मतलब क्या था, जे ही का रिजल्ट जब आया ना तो मतलब पड़ोसी रिलेटिव सबका बता देता हूँ. तो मतलब वही था कि टीवी वगैरह में आ गया था कि जे ही का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है वगैरह. तो उसके बाद ना फिर सबके कॉल्स आ रहे थे कि कितनी आई रैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जब मैंने रैंक बताई कि हाँ इतनी रैंक और इतनी परसेंटाइल है, तो कुछ कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना कि मतलब उनको एक्चुअली में पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या होता है. तो मैंने उनको बोला और फिर मतलब कहा कि हाँ इस तरीके से है, मुझे यहाँ एडमिशन मिल जाएगा वगैरह वगैरह. तो उनको लगा कि अरे बढ़िया है यार, इसको तो यहाँ एडमिशन मिल गया, अब तो मतलब जॉब पक्की है एंड ऑल, अब तो फिर लाइफ सेट है. और वही जो नॉर्मल हम बातें सुनते हैं उसी टाइप का रिएक्शन था. और मतलब हाँ, मतलब सुनने में काफ़ी सेटिस्फैक्टरी लग रहा था क्योंकि कैसे ना सोशल वैलिडेशन मिल रहा था एंड एवरीथिंग. तो हाँ मतलब रिलेटिव्स और पड़ोसियों का काफ़ी बढ़िया रिएक्शन था. तो यार, जितनी भी हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा डिसिप्लिन. तो एक प्रॉपर शेड्यूल तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तुम्हारे रैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि तुमने किस टाइप का शेड्यूल जो है वो अपनाया था. तो मैं ध्रुविल भाई से सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा शेड्यूल क्या था, किस वे में तुम अपने पूरे दिन को डिजाइन करते थे एंड दैट ऑल. ओके. तो अगर शेड्यूल की बात करूं तो सबसे पहले सोने के टाइम की बात करता हूं. तो यूजुअली मैं 12 बजे सोता था और सुबह 8 बजे उठता था. तो मतलब 8 घंटे की प्रॉपर मैं नींद लेता था. ओके. और मेरी पढ़ाई 9 बजे स्टार्ट होती थी और मैं स्लॉट्स में पढ़ाई करता था. तो पहला स्लॉट 9 से 12 का हो गया, फिर 12 से एक ब्रेक लेता था, फिर 1 बजे से फिर से स्टार्ट करता था और 1 से 2:30 2:45 या 3 बजे तक एज पर द मूड और सब्जेक्ट ऑन दैट डे. फिर 3 बजे से लेके फिर थोड़ा 30 मिनट्स या 1 आवर का गैप लेता था और फिर से 4 o'clock से फिर 4 to 6 इस तरीके का. और हमारा क्या था ना, मैं कुछ लॉकडाउन के टाइम ना मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करता था. 6 बजे हम सब साथ में आते थे गूगल मीट पे. तो उससे क्या था ना कि लॉकडाउन में मतलब रिलैक्सेशन हो जाता था. तो उसके बाद हाफ एन आवर का थोड़ा रेस्ट लेता था मैं और 7:30 से फिर 9 o'clock तक मैं फिर से एक और कोई छोटी मोटी रिवीजन टाइप कुछ कर लेता था. फिर 10 o'clock से ना मैं थोड़ा नेक्स्ट डे किस टाइप का पढ़ूंगा उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देता था. उससे क्या कि जब मैं नेक्स्ट डे उठता था तो मुझे मेरे माइंड में प्लान होता था कि हाँ मुझे अब अगले दिन क्या करना है. कुछ भी हो मैं 12 बजे सो ही जाता था. तो ध्रुविल भाई, ये तो शेड्यूल की बात होगी. अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तुमने क्या क्या सोर्सेज को यूज करा था, कौन कौन से यूट्यूब रिसोर्सेज भी होते हैं जो ऑनलाइन स्टडी में तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. तो किन किन रिसोर्सेज का एक्चुअल में तुमने यूज करा था कि तुम्हारी रैंक जिससे इनहेंस हुई है? तो मैंने एक्चुअली रेजोनेंस ज्वाइन किया था कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो मतलब उन्होंने जितना भी स्टडी मटेरियल दिया ना, वो मेरे हिसाब से आप कोई भी रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उनका स्टडी मटेरियल सफिशियंट होता है. सबसे पहले तो क्लास नोट्स जो होते थे उनको एकदम बढ़िया से रिवाइज करता था क्योंकि आप कोई बिल्डिंग है उसको फाउंडेशन के बिना नहीं बना सकते. इन द सिमिलर वे, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के फाउंडेशन और फिजिक्स ही नहीं पता तो आप उसके मेंस लेवल पर एडवांस लेवल क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे. एंड नेक्स्ट स्टेप जो हमारे DPPs और जो मॉड्यूल्स वगैरह होती थी शीट्स, तो उनके मतलब जो न्यूमेरिकल्स और जितने भी MCQs वो अच्छे से सॉल्व करता था. और ये हो जाए उसके बाद डायरेक्टली मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के वो मॉड्यूल में दिए ही रहते थे एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सॉल्व करता था. और मैं आपको यही कहूंगा कि आपको मल्टीपल रिसोर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक सोर्स पकड़ो उसको अच्छे से करो, यही इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट, अगर यूट्यूब रिसोर्सेज की बात करूँ, चैनल्स जो मुझे लिस्ट डाउन करने हो जिनको जिनकी टिप्स मैंने फॉलो की,
तो नंबर वन पे मैं कहूँगा मैथोन को, उनकी वीडियोस की टिप्स ने मुझे डेफिनेटली काफी हेल्प किया है इम्प्रूव करने में। सेकंड में एटीपी स्टार और विनीत खत्री सर के चैनल है, उनकी टिप्स थोड़ा देखा करता था कभी कभी। नेक्स्ट एक और बहुत ही बढ़िया चैनल थी फिजिक्स गैलेक्सी, वहाँ पे भी काफी मतलब बढ़िया टिप्स आती रहती थी। फिजिक्स वाला सर है, फिर मोहित त्यागी सर है, उनकी वीडियो काफी बढ़िया है। बट यही है कि सबकी मैं फॉलो नहीं कर सकता, तो मैंने कुछ सिलेक्ट किए थे। और जब भी मैं यूट्यूब वीडियोस देखता ना, एक तो होती नॉर्मल स्ट्रेटर्जी वीडियो जो वही कुछ 10-15 मिनट की होती थी, तो स्ट्रेटर्जी वीडियो तो मैं नॉर्मली ऐसे ही देख लेता था, उसमें कोई इशू नहीं है। बट कई बार ऐसा होता था कि मुझे कुछ टॉपिक में डाउट है, तो वो टॉपिक लिखता गूगल पे और उस पर मतलब आधे घंटे एक घंटे की वीडियो आती, तो मैं ये मेक श्योर करता कि वो जो पढ़ाई वाली वीडियो है ना, मैं उसको डाउनलोड करके ही देखो, ताकि फिर वो डिस्ट्रैक्शन मतलब कट ऑफ ही हो जाए। बाकी अगर और डिस्ट्रैक्शंस की भी बात करूँ तो यही है कि यार यहाँ पे भी ना मतलब अपना एक अलग स्टडी एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं ना, वो रखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। एड ऑन ये करूँगा कि एक अपना अलग से कमरा या एक अलग से सेक्शन होना ही चाहिए। जैसे मेरा एक डेस्क है, तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मुझे फन वीडियोस या दूसरे कोई भी वीडियो देखनी है तो मैं वहाँ नहीं देखूंगा, किसी और जगह। एंड देन अभी घर पे है तो घर की भी काफी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कभी मम्मी ने बुला लिया, छोटा भाई बड़ा भाई, ऐसा कोई वही है कि अगर आपकी स्पेसिफिक प्लेस हो ना तो फिर आप और उनको सबको बता दो घर पे, मैं जब यहाँ पे हूँ मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो। तो मेरा अगला क्वेश्चन, तो ध्रुविल भाई तुमने काफी हद तक समअप कर ही दिया, मैं ये पूछने वाला था कि एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और कोविड टाइम में जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये तो ऑलमोस्ट समअप हो ही गया तुम्हारी तरफ से। तो ध्रुविल भाई बाकी सब तो बात हो गई, तो अब थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते कि एक पेपर को जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे मार्क्स के अंदर, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेपर इतना अच्छा नहीं जाता तो एक डीमोटिवेटिंग फेज टाइप स्टार्ट हो जाता है कि हाँ भाई पेपर अच्छा नहीं गया, देन मान लो कि अगले दिन कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा और वो समझ नहीं आया, तो उस फेज से कैसे रिकवर करा जाता है उसके रिगार्डिंग कुछ? ओके, तो दोनों चीजों पे मैं आता हूँ। जैसे हमने कहा, पहले निखिल ने कहा कि हर एक टीचर सबके लिए वर्क नहीं करता, वैसे ही हर एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी सबके लिए वर्क नहीं करती। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, फिर आप अपने आप ट्राई कर सकते हो कि आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं। स्ट्रेटेजी को कहते हैं अल्फा बीटा गामा मेथड। अल्फा जो सिग्निफाई करता है इजी, बीटा सिग्निफाई करता है मीडियम या फिर कैलकुलेटिव, और गामा सिग्निफाई करता है टफ क्वेश्चन। यूजुअली मैं अपना जो क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था, तो मैं अपने जो 25 क्वेश्चन है उसके जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन एमसीक्यू उनको लेता था, तो पहले 10 क्वेश्चन देखे और जितने भी इजी लगे ना, कि मतलब जस्ट 30 सेकंड के अंदर हो सकते हैं, उनको मैं कर लेता था। फिर वैसे ही 1 to 10 हो गए, उसके बाद 11 to 20 में जाता था मैं। सेम टू सेम इजी क्वेश्चन जितने भी हैं वो हो गए जो इंटीजर टाइप थे, उसमें भी सेम अप्रोच। उसके बाद एक राउंड हो गया केमिस्ट्री का, सेकंड राउंड केमिस्ट्री में जो पीटा वो करता था मैं केमिस्ट्री के सारे। तो एक बार केमिस्ट्री इस तरीके से हो गया तो केमिस्ट्री में सिर्फ गामा टाइप मतलब डिफिकल्ट, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा किस टाइप के क्वेश्चन है, या फिर बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, या फिर मैंने पढ़ा ही नहीं इस टाइप का है, तो उसको मैं एंड के लिए छोड़ देता था। उसके बाद मैं मूव ऑन करता था मैथ्स की तरफ। आप चाहे तो फिजिक्स भी जा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। मैथ्स में अल्फा टाइप के क्वेश्चन करो, फिर बीटा टाइप के क्वेश्चन करो, इतना हो गया। उसके बाद मैं जाता था फिजिक्स पे। फिजिक्स में अल्फा कैटेगरी बीटा कैटेगरी कर लिया, तो जब अल्फा बीटा राउंड जो है पूरे पेपर के तो मैंने कर लिया कवर, तो फिर से मैं केमिस्ट्री में जाता था उन क्वेश्चन को ट्राई करने, फिर से मैथ्स और फिर से फिजिक्स। इस तरीके से जब मैं करता था ना, ओवरऑल मोरलनेस जितना आता था ना मुझे, वो मैं पूरा अच्छे से कवर कर लेता था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स भी साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइज हो गए थे। इसका एक और फायदा पता है क्या है? ऐसा होने लगा ना कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ओके। तो अंदर से ना लो का स्टेट बिल्डअप हो जाता है, इसकी वजह से ना पूरा पेपर ना बढ़िया से क्लियर हो जाता है। ये सुनने में इजी है पर इम्प्लीमेंटेशन हल्का सा डिफिकल्ट है। एटलीस्ट 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें तब आप इसका मास्टरी पा पाएंगे। नेक्स्ट चीज, अगर मार्क्स नहीं आ रहे ऐसे सिचुएशन में क्या करें? अगर आपने इक्की पावर एक्स का ग्राफ देखा है, अगर इनिशियली स्लोली स्लोली बढ़ता है, तो एकदम से जब जंप करा तो एकदम से बढ़ जाता है, ओके। इनिशियली आपको एफर्ट बहुत सारा डालना पड़ेगा, लेकिन ग्रोथ एकदम हल्का सा बहुत नेग्लिजिबल होगा। रिजल्ट आएगा, टाइम लगेगा, पेशेंस रखो। एक पॉइंट आएगा जब आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, सबका रिजल्ट मिलेगा। यही लॉन्ग टर्म गेम है, मैराथन है, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालने होंगे, तब जाके रिजल्ट दिखेगा। तो ध्रुविल भाई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की बात होगी। अब होता है ना कि हम लोग पूरे ईयर में जो काम कर रहे होते हैं और फिर एंड में यानी कि जब पेपर से 1-2 महीने बचे होते हैं या 1-2 हफ्ते बचे होते हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो मतलब टॉपर सीक्रेट काइंड ऑफ हम कह सकते हैं।
तो क्या सीक्रेट्स थे, क्या चीज थी, उनके बारे में बताओ थोड़ा। नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के फोर वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक, मतलब 6 वीक थे मेरे पास। वो सबसे पहली चीज जो मैंने की और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा करने के लिए, उस टाइम पे मैंने 2019 में जितने भी पेपर्स हुए थे ना उनका मैंने एनालिसिस ढूंढा कि मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए थे, उसको प्रायोरिटी नंबर वन। फिर मैथ्स में उससे कम क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए थे, प्रायोरिटी टू। सेम टू सेम फिजिक्स में भी लिस्ट बनाई प्रायोरिटी वाइज, केमिस्ट्री में भी लिस्ट बनाई। केमिस्ट्री में ऑफकोर्स 3 डिवीजन की और फिर लिस्ट बनाई। आपने एक बार लिस्ट बना ली, ओके, उसके बाद मुझे पता था मुझे 4 वीक्स में सारी चीजें रिवाइज करनी है, मतलब 1 वीक 7 या 8 चैप्टर कवर करने हैं। तो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में देखा और जो 7 या 8 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनको वीक 1 में डाल दिया, उनके कम प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को वीक 2 में डाल दिया। ऐसे पूरी मैंने प्लानर बनाया। तो आपको भी यही करना है, आप उस हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट जो बना ली उसके हिसाब से प्लानर बनाओ नॉर्मल सा। जब 1 वीक खत्म हो जाता तो मैं एक मॉक टेस्ट देता और देखता कि मेरे कितने मार्क्स आए, कहां गलतियां की, एवरीथिंग। सेकंड वीक के बाद एक मॉक टेस्ट देता। तो मैंने ये देखा कि जैसे ही वीक्स बढ़ते जा रहे थे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इंप्रूवमेंट होता जा रहा था मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर में। और ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वीकली एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट तो दे ही दीजिए। और तुम लोगों को तो यार ज्यादा ऐसे मतलब प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोगों को एक रोड मैप मैंने पहले ही पिछली वीडियोस में दे रखा है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना। और अगर फिर भी तुम लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट बनानी ही है खुद की, तो ध्रुविल भाई ने बताई दिया कि कैसे बनानी है। तो ध्रुविल भाई तुम्हें क्या लगता है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी जेई की? जैसे मेरे हिसाब से तो 15 जुलाई के आसपास होना चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है? मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि जेई 3 मंथ तक तो होगा, मतलब जुलाई के बाद ही मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लोग कंडक्ट कर पाएंगे। ऐसा ऐसे कंडीशंस होंगी जिस तरीके के हालात हैं अभी, आई थिंक जुलाई के बाद ही हो पाएगा ऐसा। तो आई वुड से समवेयर इन ऑगस्ट पॉसिबल हो पाएगा लेटेस्ट, बाकी ये 3 मंथ का तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा कुछ। और यार तुम लोगों को ये जो भी टाइम मिल रहा है ना इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना प्लीज, इसको डिस्ट्रक्टिवली यूज मत करना। कई सारे बच्चे इसको प्रोकास्टिनेट करते जाते हैं और हम लोग खुद देख चुके हैं कि यार एक्चुअल में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रेशियो कहाँ लाई करता है, और इस साल तो पहले इतना सारा कॉम्पिटिशन है। तो ध्रुविल भाई तुम्हें क्या लगता है कि इस बार भी मार्क्स टू परसेंटाइल रेशियो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इस साल तो पहले 240 पे 99 आ रही है, अगर इससे ऊपर गया तो पता नहीं कहाँ जाएगा। यार ये सवाल तुमने जो पूछा है ना, ये देख के ना मुझे एक मतलब थॉट आया मेरे माइंड में, तो ये है कि यार डॉजकॉइन का प्राइस या फिर 99% के लिए मार्क्स कॉल ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है ना, कुछ पता नहीं चल रहा, थोड़ा फनी पोर्ट्रेयल हो गया इसका। लेकिन मेरी 2027 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में कुछ 230 मार्क्स थे आई गेस, इफ आई रिकॉल करेक्टली। फिर 230 मार्क्स और मेरी परसेंटाइल उस टाइम आई थी 99.83, और अब देखो तो 99% 230-240 मार्क्स पे आ रही है। सिंपल सी बात बताऊँ ना, मैं अभी ऑनलाइन चल रहा है सब, पढ़ने वाले बच्चे दबा के पढ़ रहे हैं यार, इतना मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ अपने जूनियर्स को जानता हूँ। और सितंबर में भी यही इशू हुआ था कि जनवरी में मान लो एक्स मार्क्स पे कोई परसेंटाइल आई तो सितंबर में x+40 x+50 मार्क्स पे सब परसेंटाइल आ रही थी। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, बट ये आपको बस इन्फॉर्मेटिव वे में कह रहा हूँ जिससे कि आप रेडी रहो। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता है कि आपने क्या गलतियाँ की और आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और आपका सोलो फोकस आपके खुद के इम्प्रूवमेंट पे होना चाहिए। बाकी तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना यार, आजू बाजू के डिस्ट्रैक्शन और बाकी लोगों पे फोकस करना छोड़ दो, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने पे ध्यान दो, एकदम लग जाओ। और तुमने एक बात तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत, तो पीयर ग्रुप अपना अच्छा रखना। तो ध्रुविल भाई एक मतलब चीज ये होती थी हम लोगों के साथ की हर दूसरे हफ्ते पता चल रहा है कि भाई पेपर तो अगले हफ्ते है, तो वो जो कंटिन्यूस पोस्टपोनमेंट वाला फेज था ना उसके अंदर मतलब दिमाग ऐसे खराब हो जाता था कि भाई क्या हो रही है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता था। तो वो जो फेज आता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कमेंट? यार मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप लोगों का मेंटल स्टेट अभी कैसा होगा, तो यार डिफिकल्ट है, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और ये तो इतना प्रेशर है ही, उसके साथ साथ फिर ये कंटिन्यूस पोस्टपोनमेंट, यार हमने झेला है ये पिछले साल, बहुत डिफिकल्ट है। पिछले साल एक बार पोस्टपोन हुआ, बुरा लगा, फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि यार जल्दी खत्म हो तो अच्छा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने क्या बुरा किया, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी मुझे। तो फिर एक और बार पोस्टपोन हो गया, ऐसे ही होता गया पोस्टपोन। बस इस टाइप की सिचुएशन में ना बस मैंने एट द एंड ये सोचा कि मैं यार कितना भी सोच लूँ मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ में अभी सिर्फ इतना ही है कि तुम अपने एंड से इनपुट डालो और कंसिस्टेंट इनपुट डालो। इवन एक किसी दिन पर्टिकुलर दिन अगर बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करा फिर भी खुद को पुश करके 1-2 घंटा पढ़ लो, ये पेन वर्थ इट होगा आगे चल के। और यही है कि यार हो जाएगा, ये तो पक्की बात है कि हो जरूर जाएगा एग्जाम, तो बस थोड़ा अंदर पेशेंस रखो,
तो यार कुबिल भाई ने यार एकदम सही बात बोली कि मतलब इस समय हम बता नहीं सकते कि तुम्हारा क्या फेस चल रहा है. हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली में किसी को कोविड हो सकता है कि तुम्हें कोविड हो रखा हो. तो मैं भी समझता हूँ, भाई भी समझते हैं कि यार मतलब प्रॉब्लम वाली स्टेज चल रही है और तुम इकलौते नहीं हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है. सो प्लीज बस ये कोशिश करो कि प्रिपरेशन जो है वो ज्यादा हिंडर ना हो. और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यार जान है तो जहान है, तो प्लीज किसी भी चीज को अपनी लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी बिल्कुल मत देना. प्रिपरेशन दो दिन रुक जाएगी और हेल्दी हो जाओगे तो दो दिन रुक लो. ये नहीं है कि मतलब उस दो दिन के अंदर भी अपने ऊपर ज्यादा ही प्रेशर दे रहे हो और उस वजह से और ऐसा होना था कि मतलब दो दिन में सही हो जाते, दो दिन की पढ़ाई लॉस होती, उसकी जगह दो हफ्ते की पढ़ाई लॉस हो रही है. प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, लेकिन उसको थोड़ा इफेक्टिव बनाओ अपनी लाइफ के अंदर, उससे थोड़े से चैलेंजेस लो और बस मोटिवेटेड रहो. और तो क्या कहूँ. तो ध्रुविल भाई तुम्हें क्या लगता है, अगर हम ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन जर्नी की बात करें तो जितनी चीजें तुमने सेक्रीफाइस करी, जितने मतलब कई बार पार्टी फंक्शंस में नहीं गए होगे, कभी फैमिली फंक्शंस में नहीं गए होगे, तो मतलब जो कुछ भी था ये पूरा, तो क्या लगता है वर्थ इट था ये सब कुछ या नहीं था? देखो अगर एक वर्ड में बोलना हो तो हाँ यार, अकॉर्डिंग टू मी वर्थ इट था. मतलब बहुत सारे रीजंस है कि हाँ भाई तुम्हारे पास ब्रांड नेम है एक अपने कॉलेज का, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है ना वो ये है कि यू गेट टू कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल एंड यू गेट टू कनेक्ट विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. पूरे कॉलेज के छोड़ दो यार, डीटीयू, मैं सिर्फ अपने बैच की बात करूँ, कुछ कुछ लोग हैं जिनको मतलब बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ कुछ लोग हैं जो एकदम फुल्ली टेक के अंदर है, कोडिंग के अंदर है, कुछ कुछ लोग हैं जो बढ़िया गाते हैं, सिंगर्स हैं बढ़िया से. ये तो मैंने अपने बैच की बात की. पूरे कॉलेज में इतनी वैरायटी के लोग मिलेंगे यार तुम्हें, तुम लोगों से बातचीत करना सीखोगे, तुम इंटरेक्शन कैसे करना, दुनियादारी कहते हैं ना वो सीख जाओगे. तो अगर आप कॉलेज में आओ तो अपना एक बढ़िया सा 4-5 लोगों का फ्रेंड सर्कल बढ़िया सा बना सकते हो और साथ में मिलकर सब साथ में ग्रो कर सकते हो. बाकी साइड के रीजन तो सारे हैं ही कि प्लेसमेंट सिक्योरिटी है, तो मतलब प्लेसमेंट है तो कुछ और भी करना चाहो रिस्क लेके तो कर सकते हो. वेबिनार्स इतने होते हैं, इतने सारे इंडस्ट्री लीडर्स से मिलने का मौका मिलता है. और ध्रुविल भाई आज तक मतलब मैंने जितने भी 2-4 लोगों के साथ पॉडकास्ट किया, तो एट द एंड मैं उनसे ये जरूर पूछता हूँ कि तुमने इतनी बड़ी जो जर्नी ट्रेवल करी, इतनी बड़ी जो जर्नी है उसको क्रॉस किया, तो उसके अंदर कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसने तुम लोगों को मोस्टली टाइम मोटिवेट किया? जब तुम्हारे लोअर फेजेस चल रहे थे तो उस समय तुमने वो सोचा और तुम बस लग गए अपने पढ़ाई वाले टास्क में, तो क्या चीज थी वो जो जिसने तुमको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया? यार देखो ये जर्नी की जो शुरुआत है ना वो 10th के बाद मतलब इस तरीके से था कि चलो ऑप्शंस ये वाले सब है, और उस टाइम मुझे मैथ्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे. एट द एंड डिसाइड किया इंजीनियरिंग करते हैं. ओके, और फिर जे की जर्नी स्टार्ट की, उसके बारे में पता चला कि ये करना होता है, कोचिंग ज्वाइन की, तो ये पता चला जो मैंने पहले बताया ना कि अगर आप बढ़िया से कॉलेज में चले जाओगे ना तो जो पीयर ग्रुप आपका होगा और जो सीनियर्स और एलुमनाई आपको गाइड करने वाले होंगे ना, उनका बेनिफिट मतलब बहुत ही ज्यादा होगा आपके लाइफ में. और मुझे इस तरीके के था कि मतलब मैं जिस तरीके से एम्बिशियस हूँ, मेरे आजू बाजू वाले भी एम्बिशियस हो मेरी तरह, ये मुझे चाहिए था. और यही जो मेन एक चीज है मुझे मोटिवेट किया जी प्रिपरेशन के लिए. सर मेरा तो देखो इतना ज्यादा कुछ था नहीं कि मतलब सोच रखा था अच्छे कॉलेज में जाना है या अच्छा कुछ करना है. बस एक चीज थी कि यार कभी कोई रिलेटिव पूछे या कभी कोई पूछे मम्मी पापा से कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ता है, तो जब वो बताए तो रिलेटिव और कुछ बोल ना पाए. मतलब होता है ना कभी कभार कि वो बोलते हैं अरे यार इस कॉलेज में पढ़ते हैं, इस कॉलेज में तो ऐसे ऐसे बच्चे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं. तो ऐसा था कि वो ऐसे बोले कि इस कॉलेज में तो ऐसे ऐसे बच्चे जाते हैं, ओहो उस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ करना था. तो और दूसरी चीज जो मेरे को मोटिवेट करती थी वो ये है कि मैं सोचता था कि यार मम्मी पापा इस एज में होके वो 40s में है अपनी और फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो यार मैं तो अभी 20 का भी नहीं हूँ, मैं तो अभी टीनेजर हूँ, मेरे अंदर तो इतना ज्यादा जोश है. उनको तो फिर भी बाहर धूप में जाके मतलब काम वाम करना होता है, फिजिकली काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, मेरे को तो बैठ के बस मेंटली काम करना है, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता. तो बस यही चीज मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी और लॉकडाउन पीरियड में भी इसने मेरे को काफी हेल्प करी थी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है यार, लाइक कर दो यार वीडियो को. अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना. और ऐसी वीडियोस निखिल भाई अपना बनाता रहेगा आपके लिए. तो भाई देखो अब तो अंडर 2000 रैंक वाला बंदा बोल रहे हैं, तो अब तो करना पड़ेगा तुम लोगों को सब्सक्राइब वगैरह. अगर अभी भी कोई भी क्वेरी रहनी हो तो मेरे को और ध्रुविल भाई को उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर तुम लोग रीच आउट कर सकते हो. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे आगे पूछो, सबको रिप्लाई मिलेगा. मिलते आने वाली वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय.